नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं शतक की। अग्निपथ पर रक्षा सलाहकार समिति की बैठक। विपक्ष बोला योजना वापस ले या बदलाव करे, ज्यादा आवेदन आने की वजह बेरोजगारी। गोवा संकट के बीच उत्तराखंड कांग्रेस में भगदड़। तीन वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी में शामिल। हरक सिंह के घर बैठक। दिल्ली सरकार ने युवाओं की जॉब के लिए यूएन के साथ मिलाया हाथ। कहा कि इसके साथ ही युवाओं की जॉब के लिए एक और साझेदारी की गई। केरल के कन्नूर में आरएसएस के ऑफिस में बम से हमला। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। ऑपरेशन लोटस पार्ट टू। कांग्रेस विधायकों पर नजर बीजेपी की। अब गुजरात, हिमाचल, झारखंड में एमएलए तोड़ने की तैयारी। बनाई स्पेशल टीम। टोल प्लाजा वालों से भिड़े द ग्रेट खली। टोल कर्मी बोले आई कार्ड मांगा तो रेसलर ने थप्पड़ मार दिया। वीडियो वायरल। गगनयान की लॉन्चिंग 2023 में। 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष की सैर पर जाएंगे भारतीय। इस साल के आखिर तक सभी ट्रायल पूरे होंगे। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में 2 आतंकवादी ढेर। जैश का आतंकी कैसर कोका की मारा गया। अमार की राइफल समेत गोला बारूद बरामद। प्रहलाद जोशी ने साजिश रचकर येदुरप्पा को हटवाया। जन्मदिन पर तंज से भड़के सिद्धारमैया कारो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा निरंतर हिरासत के बाद अंत में बरी करना गंभीर अन्याय। जमानत कानून लाने पर विचार करे केंद्र। पीएम मोदी ने देवघर में किया एयरपोर्ट और एम्स का उद्घाटन। कहा बाबा धाम आकर हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है। भाजपा के सपोर्ट में उद्धव के साथ शिवसेना सांसदों ने उद्धव ठाकरे से कहा राष्ट्रपति चुनाव में करे एनडीए कैंडिडेट का समर्थन। चीन पर राहुल गांधी ने पीएम को घेरा। कहा सीमा में घुसपैठ कर प्रधानमंत्री की चुप्पी देश के लिए हानिकारक। वो चीन से डरते हैं। देश के 25 राज्यों में बारिश। एमपी के 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात के 6 जिलों में बाढ़। राजस्थान महाराष्ट्र में भी चेतावनी। पॉपुलेशन कंट्रोल पर बोले नागालैंड के मंत्री। छोटी आंख पर फनी बयान के बाद टीम जेन ने बोला मेरी तरह सिंगल रहे। कानपुर हिंसा के फाइनेंसर की प्रॉपर्टी पर चलेगा बुलडोजर। केजीए ने 16 अवैध इमारतों की जांच पूरी की। ध्वस्तीकरण के आदेश जारी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक अपराधी हुआ घायल। पिस्टल और बाइक मौके से बरामद। तकिए से मुंह दबाकर पत्नी की हत्या। 2 दिन पहले दिल्ली से आई थी ससुराल। बच्चों के साथ रखने को लेकर हुआ विवाद। पति ने किया सरेंडर। हाईवे पर हादसे में टैंकर के ड्राइवर की मौत। वाराणसी में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराया। खलासी की हालत गंभीर।
सड़क हादसे में महिला की मौत। बहराइच में रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, गंभीर हालत में दोनों जिला अस्पताल में भर्ती। मुरादाबाद में हाईवे पर दौड़ते ट्रक में लगी आग। बिहार से मेरठ जा रहा था कोयले से लदा हुआ ट्रक, टायरों से उठने लगा आग। पत्नी को पति ने काट डाला, बेटी बोली पापा ने पहले चाकू से मम्मी का गला रेता, फिर फावड़े से दो बार पेट पर किया वार। कावड़ियों के रास्ते से कंकड़ तक बिने जा रहे मुजफ्फरनगर में 200 सीसीटीवी, 90 ड्रोन कैमरों से की जाएगी निगरानी। महोबा में दो पक्षों में चले लाठी डंडे मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को जिला अस्पताल किया गया रेफर। बदायूं में युवक की पीटने के बाद गला दबाकर हत्या, जमीन की खातिर कत्ल का आरोप, पुलिस ने पंचनामे में दिखाई शराब की मौत। सीएम योगी ने पासिंग आउट परेड के लिए सलामी, लखनऊ पुलिस लाइन में बोले इंटरनल सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है ये जवान। सीतापुर में दामाद ने की थी ससुर की हत्या, 9 जुलाई को सोते समय हुई थी हत्या, ऑटो की किश्त से छुटकारा पाने के लिए हत्या की। ओवैसी की पार्टी में मचुआ घमासान, प्रयागराज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भेजेंगे सामूहिक इस्तीफा। चित्रकूट में शिक्षक का निर्वस्त्र शव मिला, फतेहपुर का हनुमान गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक था। फतेहपुर में कोर्ट के आदेश पर 3 पर मुकदमा, किन्नर का अपहरण कर लिया कुकर्म, 4 दिन तक जंगल में बनाया था बंधक। सेफ सिटी के लिए लाइव जाएंगे 142 कैमरे, 76 जगह पर कैमरे लगा चुके हैं, 30 जुलाई तक लगाने के आदेश। बदायूं में पासिंग आउट परेड में एडीजी ने दिलाई शपथ, 200 रिक्रूट का प्रशिक्षण पूरा, अब पीएसी के बेड़े में शामिल हुए जवान। पुलिस ऑडियो वीडियो से बयान क्यों नहीं लेती, हाईकोर्ट ने पुराने धरने में जांच पर जताई नाराजगी। फिरोजाबाद में आधार कार्ड से लिंक होगी मतदाता सूची, 1 अगस्त से चलेगा अभियान, घर घर जाएंगे बीएलओ। विंध्य कॉरिडोर का डीएम ने मांगा हिसाब, धीमी गति पर जताया नाराजगी, धाम में गंदगी देखकर साफ सफाई के आदेश दिए। सड़क हादसों में 2 दोस्तों की मौत, अहमदगढ़ में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 3 गंभीर डिबाई से लौट रहे थे घर। अग्निपथ के विरोध में जनसभा, जयंत ने कसा तंज, बोले 4 प्रधानमंत्री चुने जाए इसमें से 3 बने प्रधानवीर। अधिवक्ताओं ने किया 1 न्यायाधीश की कोर्ट का बहिष्कार, आगे भी जारी रखने का निर्णय। फरुखाबाद में 260 स्कूली वाहनों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड, एआरटीओ कार्यालय में 467 स्कूली वाहन है रजिस्टर्ड, 207 वाहनों में फिटनेस कराई। प्रधानमंत्री की आपत्तिजनक होल्डिंग लगाने का मामला, तेलंगाना में रची गई साजिश, मुख्य आरोपी फरार, 5 गिरफ्तार।
यूपी के पशुपालन विभाग में 50 करोड़ का घोटाला, दोगुना रेट पर खरीदी गई दवाएं और उपकरण, मंत्री ने 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। सड़क पर लड़कियों की थप्पड़बाजी, गाजियाबाद में स्कूटी टकराने पर युवक को लात घूंसे मारे, बचाव में आए पुलिस कर्मियों से भी हाथापाई। अयोध्या में महिलाओं ने बिजली व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया, बोली बिजली के खंभे से लटक रहा तार, उतर रहा करंट, जय मांग रहे घूस। सुल्तानपुर में युवक को मारा चाकू, हालत गंभीर, आरोपियों ने सड़क पर खड़ी थी बाइक हटाने के लिए कहा तो हुआ विवाद। झांसी में 12वीं की छात्रा पर ब्लेड से हमला, गले चेहरे पर 31 टाके लगे, दोस्ती का दबाव बना रहा था आरोपी दानिश। उत्तराखंड के प्रसिद्ध समाज सेवी पद्मश्री अवधेश कौशल का निधन, दून मिली अंतिम सांस। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद यमुनोत्री के राना गांव में घुसा पानी, बद्रीनाथ हाईवे समेत 211 सड़कें बंद। हरिद्वार में आतंकरोधी गुलदार दस्ता भी संभालेगा कांवड़ मेले में मोर्चा, हरिद्वार में होगी तैनाती। उत्तराखंड में सोमवार को अफसर नहीं करेंगे बैठक, जनता से मिलेंगे, एक दिन के लिए सचिवालय का प्रवेश पास बनाना भी आसान। हरिद्वार पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी, स्वामी राजराजेश्वर श्रम महाराज का जाना हालचाल। उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, आरपी रतूड़ी और कमलेश रमन ने थामा आपका दामन। देहरादून में झमाझम बारिश, ऋषिकेश में चेतावनी के निशान के करीब पहुंचा गंगा का जलस्तर। अस्पताल गेट पर प्रसव का मामला, नर्सिंग अधिकारी पर गिरी गाज, डॉक्टर को निलंबित करने के लिए शासन को भेजी सिफारिश। हरिद्वार पहुंचे भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने की मांग, राजस्थान में लगाया जाए राष्ट्रपति शासन। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हरक सिंह रावत के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात, सियासी गलियारों में मची हलचल। महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने फूंका भाजपा सरकार का पुतला, कांग्रेसियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। उत्तराखंड में होगी नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य, सीएम करेंगे शुभारंभ। शुरुआती दौर में ही हांफने लगा रोपवे, 25 मिनट तक हवा में ही अटकी रही लोगों की सांसें। उत्तराखंड में जमकर बरसे मेघ, जुलाई के पहले 10 दिन 8% अधिक बारिश। संगठन की मजबूती के लिए आपने किया महिला प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार, कहा राज्य निर्माण में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा। अमेरिका रब भागने की फिराक में थे श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे के भाई, एयरपोर्ट स्टाफ का गुस्सा देख वापस लौटे।
यूक्रेन युद्ध पर भारत की दो चूक, निर्दोष लोगों की जान लेकर किसी समाधान पर नहीं पहुंच सकते। एलन मस्क के सौदा रद्द करने के बाद 11.3% गिरे ट्विटर के शेयर, टेस्ला को भी लगा झटका। बाइडेन की उम्र बनी समस्या, विपक्षी नेता पूछ रहे अब क्या 82 साल का होने पर भी लड़ेंगे अगला चुनाव। शिंजो आबे की पार्टी ने भारी मतों से जीता चुनाव, बोले पीएम किशिदा जारी रहेगी लोकतंत्र बचाने की कोशिश। श्रीलंका में संकट गहराया, एम्बुलेंस चलाने के लिए नहीं बचा डीजल, स्पीकर बोले राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया, फिर बयान से पलटे। अमेज़न के जंगल की अंधाधुंध कटाई, सिर्फ 6 महीने में न्यूयॉर्क से 5 गुना बड़ा इलाका किया साफ, ये ब्राजील का नया रिकॉर्ड। नीदरलैंड में किसान आंदोलन शुरू, सरकार ने नाइट्रोजन वाली खाद पर बैन लगाया, गुस्साए किसान सड़कों पर फैलाने लगे खाद। जंग के बीच यूक्रेन में होगा कैबिनेट फेरबदल, विदेश मंत्री का पत्ता कटना तय, डोनेस्क में रूसी हमले से 29 नागरिकों की मौत। पुतिन ने अब यूक्रेन पर गिराया नागरिकता बम, सभी यूक्रेनियों को सिटीजनशिप देने का दिया आदेश। कच्चे तेल के दामों में गिरावट जारी, मांग घटने से 3 महीने में 20% घटे क्रूड के दाम, आम आदमी के साथ ही इंडस्ट्री को भी राहत की उम्मीद। सरकार के निर्देश के बाद भी नहीं घटे खाद्य तेल के दाम, अदाणी बिल्मर और रुचि सोया की मनमानी। ₹2,100 करोड़ के बैंक फर्जीवाड़े में 2 अलग-अलग मामले दर्ज, 1,438.45 करोड़ और 710 करोड़ के मामले में कार्रवाई। आरबीआई का फैसला, भारतीय रुपयों में हो सकेगा आयात निर्यात का निपटारा। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर बोले मैं पद पर रहूंगा पर राजनीति अस्थिरता से हालात बिगड़ रहे। कमजोर तिमाही नतीजों के बाद टीसीएस के शेयर 4.5% तक लुढ़के, अनुमानों से पीछे रही कंपनी। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 2 साल में 469 हुआ महंगा और 8 साल में केवल 130 बढ़े। क्रिप्टो करेंसी बाजार में मंदी जारी, $1 ट्रिलियन के नीचे पहुंचा मार्केट कैप। क्रिप्टो मार्केट में गिरावट के बाद डॉज कॉइन मजबूत, 78,000% की ग्रोथ। सोलाना लैब्स और मल्टीकॉइन कैपिटल पर सिक्योरिटीज कानून के उल्लंघन का आरोप, बिना सिक्योरिटी के तौर पर बेचा था। क्रिकेट में गोल्ड जीतने की तैयारी, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय विमेन टीम घोषित, हरमनप्रीत कौर कप्तान। सनत जयसूर्या हुए भारत के मुरीद, श्रीलंका में जारी आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारत की मदद के लिए जताया आभार।
बांग्लादेश ने पहले वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया, 3 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे। श्रीलंका के अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चांदीमल ने स्टेडियम के बाहर मारा ऐसा छक्का, सड़क पर चलते युवक को लगी गेंद। प्रभात जयसूर्या ने डेब्यू में चटकाए 12 विकेट, श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को पारी में 39 रनों से रौंदा। युवराज सिंह की कमी दूर करेंगे सूर्य कुमार, 5 साल से नंबर 4 पर है यूवी जैसा काबिल बैटर नहीं, 18 खिलाड़ी आजमाने के बाद सूर्या पर फोकस। भारत वर्सेस इंग्लैंड पहला ओडीआई, आज विराट के खेलने पर सस्पेंस, साल बाद इंग्लैंड में सीरीज जीतने का मौका। टीम इंडिया के सीनियर्स पर भड़के सुनील गावस्कर, बोले आईपीएल से रेस्ट नहीं लेते हैं तो टीम इंडिया से क्यों लेते हैं, बीसीसीआई इस पर गौर करें। बदहाल श्रीलंका को क्रिकेट ने दी राहत, ऑस्ट्रेलिया को पहली बार पारी के अंतर से हराया, पहला टेस्ट खेल रहे जयसूर्या ने लिए 12 विकेट। चौरानवे साल की चैंपियन दादी भगवानी देवी ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, 100 मीटर दौड़ में महज 24.74 सेकंड में पूरी की। धमकी भरा खत मामले में दिल्ली पुलिस की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई, बोला सलमान खान पब्लिक के बीच आकर माफी मांगी। डॉक्यूमेंट काली पोस्ट विवाद में विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म मेकर लीना मणि मेकलाई को बताया पागल, बोले क्या कोई इन्हें खत्म कर सकता है। दिशा पाटनी का वायरल वीडियो, स्पेन के वेकेशन मना रही है दिशा पाटनी, एक्ट्रेस ने शेयर किया ट्रिप की झलक। पत्नी का मजाक उड़ाते दिखे शाहिद कपूर, फोन में बिजी पत्नी का शाहिद ने उड़ाया मजाक, एक्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर की फनी वीडियो। करण जौहर पर लगे नेपोटिज्म का, मनीष ने दिया जवाब, बोले मुझे काम दिया, मैं तो किसी एक्टर या उनके रिश्तेदार का बेटा तो नहीं हूं। सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ स्पॉट हुई बिग बी की नातिन, पेपरासी को देख नव्यानंदा ने छिपाया चेहरा, दोनों के अफेयर की खबरें वायरल। साई पल्लवी ने सुनाया मजेदार किस्सा, बोली बचपन में लव लेटर लिखने पर पड़ी थी घर वालों से जबरदस्त मार। ऐश्वर्या को नहीं आया दया बहन का किरदार पसंद, बोली मैंने इस रोल के लिए ऑडिशन दिया लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मैं कर रही हूं। भाग्यश्री हुई ट्रोलिंग का शिकार, भाग्यश्री ने साफ फर्श पर लगाई झाड़ू, यूजर्स ने किया ट्रोल, पूछा कचरा कहाँ है। काली पोस्टर विवाद पर मुकेश खन्ना बोले जिसने ऐसा पोस्टर बनाया उसे शर्मानी चाहिए, ऐसे लोगों को सख्त सजा देनी चाहिए। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।